नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मेथमेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो SSC CHSL 2021-22 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज एक और कॉपी मैं आपके बीच में लेके आया हूँ और ये जो कॉपी है वो SSC CHSL 2020 की कॉपी है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का स्कोर है वो कितना है, 62। आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया, 62, जिसमें से SA में कितना स्कोर है 30 और लेटर में कितना है 32। इसके मार्क्स 62 कम है, तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको कम वाले जो मार्क्स वाली कॉपी है उनको भी दिखाऊं, जिससे भी आप सीख पाएंगे बहुत कुछ, और जो हाई मार्क्स वाली कॉपी है उनसे भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, और जो एवरेज मार्क्स वाली कॉपी है उनसे भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि मैं डेली एक कॉपी को आपके बीच में एक्सप्लेन करूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये हिंदी मीडियम की कॉपी है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, जो ये पहला पेज है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से भर लेना है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसे, जहाँ जहाँ पे इसने गलती की है उसको भी हम लोग समझेंगे, और इसमें क्या क्या आपको ऐड कर सकते थे आप, बेटर करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारा कंटेंट मिलेगा, सारे वीडियोज़ मिलेंगे, डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस कोर्स को लेने के बाद आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक वगैरह परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको पता होगा कि 2020 में जो टॉपिक आया था वो आया था महानगर में रहने के लाभ और हानि, यानी कि द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग इन मेट्रो सिटी। तो आपको कैसे लिखना है, जब भी कोई आपको टॉपिक मिले, ये काम आपके बहुत बात आएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे हो सकता है अभी आप CHSL 2021 का डिस्क्रिप्टिव देने जाएं, तो जो आपने प्रिपरेशन की, जो मेहनत की, हो सकता है वो टॉपिक ना आए, कोई कॉमन टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप बस ये सोचिए कि जो आपने अभी तक पढ़ा है और जो आपके पास नॉलेज है, जो टॉपिक आपको मिला है उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको याद आ रही है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। किसी भी ऐसे को आप 3 पार्ट में तोड़िए, पहला है आपका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद है आपका मेन बॉडी, और तीसरा है आपका कंक्लूजन, ठीक है। इन 3 पार्ट में आपको तोड़ना है। कभी भी आपको सरकार की बुराई नहीं करनी है, कंक्लूजन में आपको बेटरमेंट के लिए राय देनी। इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसको आपके इंट्रोडक्शन से ही समझ में आ जाए कि हाँ आप कहना क्या चाहते हैं, और आपने जो टॉपिक आपको मिला है आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ है, और आपने अच्छे तरीके से उसे कोशिश आप ये करिए कि जब भी आपको टॉपिक मिले अगर उसमें कोई कोटेशन आपको याद आ रहा है तो कोटेशन जरूर डालिए। अगर कोटेशन आप डालेंगे तो इससे भी बेहतर आपको जो है मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे स्टूडेंट ने लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिर बताता हूँ कि क्या क्या और ऐड करना चाहिए। जैसे इसने लिखा है कि वर्तमान समय में जीवन यापन के लिए मनुष्य की आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ उपयुक्त संसाधनों की सरल आपूर्ति की भी एक मुख्य भूमिका हो चुकी है। महानगर से अभिप्राय किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक आधुनिकरण युक्त एवं विकसित नगरीय क्षेत्र, जहां मनुष्य को उसके आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आसानी से हो। महानगर में रहने से अनेक लाभ हैं। महानगर में एक विद्यार्थी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान आदि उपलब्ध होते हैं। एक प्रतिभावान व्यक्ति अपनी प्रतिभा से अच्छी कंपनियों में रोजगार पा सकता है। एक महिला बिना किसी भेदभाव के अपने निकट व्यवसाय चला सकती है। महानगर में अच्छे अस्पताल जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स आदि उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर एवं भारतीय शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। महानगर में बढ़ती औद्योगिकरण की वजह से यहाँ प्रदूषण की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। दिल्ली जैसे बड़े महानगर में वायु प्रदूषण सूचकांक पार्टिकुलर मैटर काफ़ी खराब रहता है। महानगर के प्रदूषण आदि की वजह से अनेक बीमारियां जैसे स्किन कैंसर, दमा और फेफड़ों में समस्या आदि बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। दिल्ली एक महानगर के साथ विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी भी है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले नाले नदियों में मिलने से काफ़ी गंदगी इकट्ठा होती है, जिससे नदियों का पानी पीने योग्य नहीं बचा हुआ है। अतः उद्योगों को सीमित ही चलाना चाहिए, जिससे कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो। और भारत ने COP26 सम्मेलन में कार्बन तटस्थता लक्ष्य 2070 का रखा है। जितना कम प्रदूषण होगा
महानगर की गुणवत्ता और बढ़िया होगी। तो ठीक ठाक लिखा है, तो यहाँ पे और क्या क्या आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप अपना, जैसे कि आपको जब आपने लिखना स्टार्ट किया तो वहाँ पे किसी कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते थे। उसके अलावा आप बताइए कि जब आपको मतलब मेन बॉडी आपको लिखनी है तो उसमें प्रोस भी बताइए, कॉन्स बताइए कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। जितना हो सके उतना आप डाटा डालिए, जैसे कि जो रैंकिंग का डाटा है, जैसे कि हेल्थ जो सर्वे है उसमें हम कहाँ पे हैं, उसके अलावा जो मतलब फूड जो मतलब भुखमरी सूचकांक है उसमें हम लोग कहाँ पे हैं, उसके अलावा बेरोजगारी जो सूचकांक है उसमें हम लोग कहाँ पे हैं, उसके अलावा GDP मतलब ये सूचकांक आप डाल सकते हैं। और जो नुकसान थे उसमें भी आप सूचकांक का यूज कर सकते थे कि हेल्थ में हमारी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, जनसंख्या में हमारी पोजीशन कहाँ पे है, मतलब जनसंख्या तो यहाँ पे नहीं डालेंगे, मतलब रहने के नुकसान में आप ये डाल सकते थे। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं है, फैमिली में उतने अच्छे टर्म्स नहीं है, उसके अलावा बीमारियां हैं लोगों में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाल सकते थे। ओवरऑल इन्होंने ठीक ठाक लिखा है, इनकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी है और इन्हें जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 30, ठीक है। अब देख लेते हैं लेटर किस तरीके से लिखा गया। तो लेटर आपको पता होगा, लेटर का जो टॉपिक आया था वो आया था आप हेमा हेमदेव निवासी मोहल्ला काजी करीम नगर पोस्ट हैदरपुर मुजफ्फरनगर पिन कोड 2501 हैं, अपने क्षेत्र के नगर पार्षद निगम पार्षद को पत्र लिखकर उनका ध्यान क्षेत्र में लावारिस कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या और उससे उत्पन्न समस्याओं की ओर आकर्षित करें। यू आर हेमा हेमदेव रेजिडेंट ऑफ लोकेलिटी मोहल्ला काजी करीम नगर पोस्ट हैदरपुर मुजफ्फरनगर पिन कोड 2501, राइट लेटर टू द म्यूनिसिपल काउंसिलर ऑफ योर एरिया ड्राइंग हिज अटेंशन टुवर्ड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन योर लोकेलिटी एंड द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू इट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा लेटर है, पहले आपको लेटर में आप अच्छे नंबर ला सकते हो, सबसे पहले आप ये समझो कि लेटर कौन सा है। तो ये फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आपका राइटर का एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी और फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा। देखिए स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, वो घिचपिच कर देते हैं लेटर में भी। लेटर जब आप लिखें तो वो लगना चाहिए कि लेटर है, जैसे कि आपने राइटर का एड्रेस डाला, इन्होंने डाल दिया, ठीक है, उसके बाद एक लाइन का गैप दो, उसके बाद आपको ये डेट डालनी है। डेट आप किसी भी तरीके से डाल सकते हो, जैसे 9 जनवरी 2022, ये भी एक सही तरीका है डालने का, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट और रिसीवर के एड्रेस को अदल बदल सकते हो, रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो या सब्जेक्ट भी डाल सकते हो, और सब्जेक्ट जो है आप रिसीवर के एड्रेस के बाद भी डाल सकते हो, ठीक है। कोशिश करिए कि पहले आपका राइटर का एड्रेस आए, फिर डेट आए, फिर आपका रिसीवर का एड्रेस आए, और फिर आपका सब्जेक्ट आए, फिर सैल्यूटेशन आए, और फिर आपका मेन बॉडी आए, और नीचे मतलब जो आपको लिखना है भवदी, अगर आप ऑफिस मतलब ऑफिस को किसी लिख रहे हो तो भवदी लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आपको कंटेंट जो है वो कुछ इस तरीके से डालना है कि बहुत ज़्यादा आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। लेटर में चाहे आपका इनफॉर्मल आए या फॉर्मल आए, आपको सटीक बात कहनी है, क्योंकि 150 वर्ड में लिखना होता है, अगर 10% कम यानी कि 135 वर्ड में भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा इन्होंने वो डाल दिया, एड्रेस रिसीवर का, राइटर का, और सब्जेक्ट में क्या डाला है, लावारिस कुत्तों से बढ़ती समस्याओं के संदर्भ में। निगम पार्षद, मैं इस पत्र के माध्यम से नगर निगम में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न समस्याओं के लिए आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। पिछले 6 महीनों से लावारिस कुत्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुत्ते हर जगह गंदगी तो करते ही हैं और काटते भी हैं, जिससे रेबीज विषाणु मनुष्य में आ जाता है और हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। तो लिखने का थोड़ा कंटेंट गलत है, ठीक है। कुछ अनुभवी लोगों का कहना है कि इन कुत्तों में कुछ पागल भी हैं, बच्चे बाहर निकलने में डरते हैं, अतः श्रीमान जब भी नई लाइन आप स्टार्ट करें थोड़ा सा एक बॉक्स का गैप दें, ठीक है। अतः श्रीमान आपसे अनुरोध है कि नगर में लावारिस कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करें और पागल कुत्तों को रेबीज मुक्त टीके लगवाएं। आपके हल की प्रतीक्षा में नगरवासी, आपका सुभाशीष हेमदेव। तो यहाँ पे बौद्धि भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि आप नगर पालिका को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने लेटर लिखा है और इनको जो मार्क्स मिले वो कितने मिले हैं, 32। तो लेटर में भी ठीक ठाक मार्क्स हैं। अब थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे का, अगर आपने ऐसे अच्छा लिखा होगा तो आपको अगर ऐसे में अच्छे मार्क्स मिले तो लेटर में आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ऐसे को आपको बेहतर करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे बेहतर लिख गए, अगर आपको ऐसे में 40 नंबर मिल गए तो ये श्योरिटी है कि आपको 35+ नंबर जो है
फुल लेटर में मिलेंगे, ठीक है। इसके इक्वल भी मिल सकते हैं। तो आपको इम्प्रूवमेंट क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि लेटर को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है। लेटर आपका जब लिखा हो तो वो लगना चाहिए कि लेटर है, और ऐसे में तीन पार्ट में आप तोड़िए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। आपका जो ऐसे है उसमें इंट्रोडक्शन से ये समझ में आ जाना चाहिए राइटर को, जो एग्जामिनर है उसको, कि आप कहना क्या चाहते हो और आपने जो कंप्लीट सब्जेक्ट है उसको समझ लिया। तो अगर इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अभी भी आपके पास टाइम है, आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में सारा कंटेंट अच्छा नहीं होता है, कुछ पढ़ने वाला होता है, कुछ छोड़ने वाला भी होता है। तो मार्केट में जितनी भी बुक अवेलेबल है उन सभी का निचोड़ हमने अपने कोर्स में दिया हुआ है। इसमें आपको 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड जो ऐसे हैं जो कॉमन और करेंट टॉपिक दोनों के आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको लेटर, उसके अलावा आपको प्रेसाइज, ढेर सारे वीडियोस की कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे प्रेसाइज लिखनी है। उसके अलावा 50+ RTI की कॉपी, इनका वीडियो सोल्यूशन। उसके अलावा डेली हम आपको टॉपिक देंगे, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैंने आपके बीच में रखी उनसे आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।